डोंट ट्राई टू बी द बेस्ट, ऑलवेज ट्राई टू बी द फर्स्ट। कभी भी अच्छे बनने की कोशिश मत करो, हमेशा नंबर वन बनो। ये बात कही है जेक मा ने, जो कि अलीबाबा और ई कॉमर्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनी के फाउंडर है। मैंने उनकी बहुत सारी ऐसी स्पीचेस सुनी, बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज सुने, जिसकी एक एक लाइन ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। सीरियसली उनके एक एक शब्द में बहुत पावर थी, और आज इन्हें के पावरफुल थॉट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले जेक मा ये कहते हैं, नथिंग इज ईजी एंड नथिंग इज फ्री। इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल, यू हैव टू पे द प्राइस। इस दुनिया में कुछ भी आसान नहीं होता। आपको सक्सेसफुल बनने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। आपको मेहनत की कीमत चुकानी पड़ेगी, आपको टाइम की कीमत चुकानी पड़ेगी, आपको तपना पड़ेगा, आपको भूख नहीं लगनी चाहिए, आपको नींद नहीं आनी चाहिए। क्योंकि मैं कभी भी ठीक से सो नहीं पाया हूँ, क्योंकि मुझे मेरे सपने सोने ही नहीं देते। दैट्स वाई नथिंग इज ईजी एंड नथिंग इज फ्री। और दूसरी बात जेक मा ये कहते हैं, इफ़ यू डू ईजी थिंग्स योर लाइफ विल बी हार्ड, एंड इफ़ यू डू हार्ड योर लाइफ विल बी ईजी। अगर आप आसान चीज़ें करते हो तो आपकी ज़िंदगी कठिन बन जाती है, और अगर आप कठिन चीज़ें करते हो तो आपकी ज़िंदगी आसान बन जाती है। तभी जेक मा से पूछा गया कि ऐसी क्या चीज़ है जो इंसान को फेल बनाती है। तब जेक मा ने ये कहा कि आज का दिन बहुत ही कठिन है, कल का दिन उससे भी कठिन होगा, लेकिन परसों का दिन बहुत ही ब्यूटीफुल और शानदार होगा। लेकिन ज़्यादातर लोग दूसरे दिन ही रात होते होते अपनी हिम्मत हार जाते हैं, गिव अप कर देते, डीमोटिवेट हो जाते, वो लोग सुबह होने ही नहीं देते। यही रीज़न है एक इंसान के फेल होने का। जेक मा कहते हैं कि जब भी कोई मुझे ये कहता है कि सर ये बहुत कठिन है, तब मैं उसी प्रॉब्लम को पकड़ता हूँ और तब तक उसे करता रहता हूँ जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, और उसी कठिन चीज़ को मैं अपनी मेहनत से आसान बना देता हूँ। आज की दुनिया में लोग AI मशीन और रोबोट से घबरा जाते हैं। जेक मा कहते हैं, डोंट वरी अबाउट इट, ह्यूमन बींग मच स्मार्टर देन मशीन, मशीन कैन नेवर कंट्रोल, बिकॉज मशीन्स ओनली द चिप्स, ह्यूमन बींग्स हैव द हार्ट्स। मशीन वही काम करेगी जो इंसान चाहते हैं, इसीलिए अपनी कंपेरिजन मशीन से ना करें, बिकॉज यू आर द टैलेंटेड देन द मशीन। इस दुनिया में काफ़ी लोग कहते हैं कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो जेक मा ये कहते हैं कि 2000 साल पहले भी चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज थी, 2000 साल के बाद भी इस दुनिया में अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस देखने को मिलेगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू लुक इट। कुछ लोग इस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं, और मुझे भी यही लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी हमेशा चैलेंजेस में देखने को मिलती है। अगर आप बड़ा चैलेंज सॉल्व करते हो तो बड़ी प्रॉब्लम आती है, और यही बड़ी प्रॉब्लम एक दिन बड़ी अपॉर्चुनिटी देकर जाती है। तभी जेक मा 20 की उम्र वाले लोगों को एक एडवाइस देते हैं कि मैं 2 बार प्राइमरी स्कूल में फेल हुआ, मैं 3 बार मिडिल स्कूल में फेल हुआ, मैं 3 बार यूनिवर्सिटी में फेल हुआ, मैंने 30 बार गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया लेकिन वो भी रिजेक्ट कर दिया, मैंने पुलिस के लिए अप्लाई किया लेकिन मुझे ये कहकर रिजेक्ट किया कि आप इस फील्ड में अच्छे नहीं हो। जब KFC मेरे शहर में शुरू हुआ तब हम 24 लोग वहाँ पर जॉब के लिए गए थे, 23 लोगों का सिलेक्शन हो गया, मैं अकेला वो बंदा था जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ। यहाँ तक कि हम पुलिस में 4 लोग जॉब के लिए गए थे, 3 का सिलेक्शन हो गया, मैं अकेला वो बंदा था जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने 10 बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया लेकिन वो भी रिजेक्ट कर दिया। अगर ज़िंदगी आपसे नफरत करने लगी, आप ज़िंदगी के हर मोड़ पर हारने लगो, तो समझ जाना आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने वाले हो, क्योंकि ज़िंदगी आपको गुलाम बनाना नहीं चाहती, वो आपसे कुछ बड़ा करवाना चाहती है। आप स्कूल में फेल हो गए इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़िंदगी में फेल हो गए। एक बात हमेशा याद रखना, ज़िंदगी में एक कागज़ का टुकड़ा कभी भी आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, इसीलिए कभी भी अपनी ज़िंदगी में हार मत मानो। आपको रास्ते तब तक कठिन लगेंगे जब तक आप उस पर चलोगे नहीं। जेक मा से किसी ने कहा कि सर इस दुनिया में कॉम्पिटिशन बहुत है, तो जेक मा ये कहते हैं कि कॉम्पिटिशन हमारी सक्सेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये कॉम्पिटिशन नॉलेज की कॉम्पिटिशन नहीं है, ये कॉम्पिटिशन सीखने की कॉम्पिटिशन है, ये कॉम्पिटिशन इमेजिनेशन की कॉम्पिटिशन है, ये कॉम्पिटिशन कुछ नया सोचने की कॉम्पिटिशन है, क्योंकि इसी कॉम्पिटिशन से इंसान स्ट्रांग बनता है। जेक मा कहते हैं, ऑलवेज लर्न फ्रॉम द फेलियर्स मिस्टेक, नॉट फ्रॉम द सक्सेसफुल पीपल। क्योंकि सक्सेसफुल लोग आपको ये सिखाएंगे कि क्या करना है, लेकिन फेलियर्स लोग ये सिखाएंगे कि क्या नहीं करना है। और यही बात थॉमस एडिसन ने भी कही है। वो कहते हैं कि मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ,
मैंने 10,000 ऐसे रास्ते खोज लिए हैं जिससे सक्सेस नहीं मिलती, और यही मिस्टेक्स एक दिन आपको सफल बनाती है। सो ऐसे ही और भी मोटिवेशनल वीडियोस और लाइफ लेसन सीखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दें। मैं आपसे मिलता हूँ एक अगली शानदार मोटिवेशनल वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।